हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पांडे फ्रॉम एबीसी ज्ञानबुद्धा क्लासेस गया बिहार। ये मेरा जो यूट्यूब सीरीज है, अब वेक्टर का मैंने स्टार्ट किया। मेरा जो पहला सीरीज है जिसमें 3 वीडियो मैंने डाला है, वो यूनिट एंड डायमेंशन का, और ऑलरेडी वेक्टर का मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। ठीक है, उस वीडियो को आप जाके देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर क्वांटिटी, और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब वेक्टर अलजेब्रा में हम इन करते जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स देखा था कि व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर, व्हाट इज इक्वल वेक्टर, व्हाट इज अनइक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, या उसी को नल वेक्टर बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में देखा था, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, तब आपको आज का क्लास समझ में आएगा। आज का क्लास समझने के लिए उस वीडियो को आपको देखना काफी जरूरी है। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई अ नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर, आगे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन भी हम कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि अलग पढ़ाने का क्या मतलब है, अलग तो लोग पढ़ा ही रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन अलग पढ़ाएंगे हाफ एन आवर, डिवीजन अलग पढ़ाएंगे हाफ एन आवर, आपका टाइम बर्बाद। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ए वेक्टर, मैं इसको क्लियर लिख ही देता हूं अच्छे से, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अ नंबर। ध्यान दीजिएगा, ए कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। इसके पास क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, मैथमेटिकल वैल्यू होगा। इसके पास दूसरा चीज क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और एक डायरेक्शन कैसा होगा, तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस की तरफ। लास्ट क्लास में बताया था यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। तो ये हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर के पास दो चीज है, द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्शन। पहला चीज क्या है, मैग्नीट्यूड है, और दूसरा चीज क्या है, तो डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसे, नंबर से। अच्छा, इसका यूनिट भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो यूनिट के बारे में बात देखो, आप अंडरस्टूड हो जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि इतना हम बता चुके हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट, मतलब वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकेंड इज यूनिट, दोनों मिलकर क्या बना, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन। अब समझिए, इसको मल्टीप्लाई हम किसी नंबर से कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर रहे हैं, कौन सा नंबर, मान लीजिए एन है, एन इंटू ए, एन इंटू ए, मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, एक नंबर से कर रहे हो, एन से कर रहे हो। तो एक हमको नया वेक्टर मिलेगा, एक हमको न्यू वेक्टर बी मिलेगा। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फिर से सुन लीजिए, ये आपका वेक्टर ए इज अ वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे किससे, एन से। तो हमको एक नया वेक्टर बी मिलेगा, नया वेक्टर बी मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा एन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मान लो ए का मैग्नीट्यूड 5 है, और ए का मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 5, और एन आपका 3 है, तो जो वेक्टर बी मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 15। वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। बात समझना, ठीक है। अगर मान लो इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा एन टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर इधर की तरफ है, मान लो वेक्टर, हम इसको नंबर एन से, माइनस एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एन से, नेगेटिव नंबर, एन एक नेगेटिव नंबर, नंबर है, तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो से करोगे तो नल वेक्टर हमको मिल जाएगा, दैट इज जीरो वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया वेक्टर बी मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए के अपोजिट। मान लो वेक्टर ए ये है, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए,
इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस टू से, तो नया वेक्टर जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा और इसके एरो की जो लंबाई होगा इससे दुगना होगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे थ्री से, माइनस थ्री से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा थ्री टाइम्स हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा। तो अब यहां से एक हम शॉर्टकट आपको ट्रिक मतलब समझाते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है और एन कोई नंबर है, तो अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा एन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और अगर एन पॉजिटिव होगा, अगर एन पॉजिटिव होगा तो जो नया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए की तरफ होगा, और अगर एन निगेटिव होगा तो जो नया वेक्टर का डायरेक्शन है वो वेक्टर ए से अपोजिट होगा। से समझिए, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर, डिवीजन में भी सेम चीज होगा। वहां पे n into a लिख रहे हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 by n into a लिखेंगे। ध्यान दीजिए, लेट a be any वेक्टर, ध्यान देना, लेट a be any वेक्टर, a कोई वेक्टर है, लेट a be any वेक्टर एंड n be any नंबर, और n क्या है, कोई नंबर है, a be any वेक्टर एंड n be any नंबर। If we multiply vector A by a number, अगर vector A को number से multiply करेंगे, if we multiply vector A by a number, then we get a new vector B, तो मुझे एक नया vector B मिलेगा जिसका magnitude क्या होगा, whose magnitude is n times magnitude of a। जो नया वेक्टर b मिल रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा n times मैग्नीट्यूड ऑफ a। और अगर n पॉजिटिव होगा, ध्यान दे, यहां पे हम लिख देते हैं, अब n का दो चीज हो सकता है, n पॉजिटिव हो सकता है और n निगेटिव हो सकता है। n अगर पॉजिटिव होगा तो वेक्टर डायरेक्शन जो होगा वेक्टर बी का, वेक्टर ए के तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज अलोंग वेक्टर ए। और अगर एन निगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज अपोजिट टू वेक्टर ए। समझ में आया, बिल्कुल सेम चीज डिवीजन के साथ चलता है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ये तो मल्टीप्लीकेशन का केस है, अगर हम लोग डिवीजन का केस पढ़ेंगे तो अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by n into वेक्टर a। मतलब वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 by n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b जो होगा 1 by n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। और अगर n पॉजिटिव होगा तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के तरफ होगा, और अगर एन निगेटिव होगा तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए से अपोजिट होगा। दिस इज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अ नंबर। अब हम लोग बात करते हैं क्या है कि अगर स्केलर क्वांटिटी यहां पे रहता, अच्छा यूनिट, हाँ एक चीज और यहां पर समझिए, यूनिट, तो जो यूनिट वेक्टर ए का होगा वही यूनिट वेक्टर बी का होगा, क्योंकि हम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है। जो यूनिट वेक्टर ए का होगा वही यूनिट वेक्टर बी का होगा, समझना इस चीज को, यूनिट पे कोई फर्क नहीं। लेकिन वही हम अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, द बेस्ट एग्जाम्पल इज फोर्स, सब जानते हो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए यहां पे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक वेक्टर मिल रहा है। और इसका जो डायरेक्शन है किधर होगा, जो ए का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मास का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वैल्यू होगा, उसको एक्सेलरेशन कहना, तो वो होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं वेक्टर के साथ, और इससे पहले मैंने बताया वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर के साथ, तो किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट आपका चेंज हो जाएगा। अरे इसका यूनिट भी तो कुछ ना कुछ होगा, नंबर का तो यूनिट, इसका तो यूनिट, इसका यूनिट किलोग्राम, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को न्यूटन बोला जाता है, इसका यूनिट किलोग्राम, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसको कुछ बोलते नहीं, उसमें ध्यान दीजिएगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड कुछ बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसको कुछ बोलते हैं हम लोग नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर और अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग इन करेंगे क्या, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका, ठीक है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अभी हम दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कितने कैसे कैसे कर सकते हैं, हालांकि बाद में बताएंगे कि कुछ एक ही होता है। द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पहला होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, एंड द फोर्थ वन इज कंपोनेंट मेथड से ऐड कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट मेथड तो हम तब पढ़ाएंगे जो आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ा देंगे, अभी हम एडिशन ऑफ वेक्टर, तो हम एडिशन करने का तरीका क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन एंड यहां पे आप लोग जब एडिशन करोगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस यूज होंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, बहुत लोगों का अभी भी कंफ्यूजन कि साइन 30 क्या होता है सर, कॉस 60 क्या होता है सर, साइन 60 क्या होता है सर, टैन 30 क्या होता है, टैन 60 क्या होता है, कॉट 60 क्या होता है, कॉट 30 क्या, तो उस चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए YouTube पे सीधे टाइप करोगे गौतम कुमार एबीसी क्लासेस और वहां से आपको मैथ्स के पूरे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है, आपको कोई क्योंकि यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ एंगल है, कुछ स्टैंडर्ड चीज हम बता देते हैं पहले स्टार्ट करने के पहले, एक होता है 37 डिग्री और 53 डिग्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 37 डिग्री और 53 डिग्री का बहुत ही ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा प्यार है फिजिक्स वाले को 37 डिग्री और 53 डिग्री से, पता नहीं क्वेश्चन वहीं से रहेगा, 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं रहता, तो देख लीजिए तब हम बताएंगे आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है और कंपोनेंट मेथड क्या होता है। तो पहले 37 डिग्री और 53 डिग्री का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेते हैं, क्लियर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोचेंगे बता दें दिस वन इज 37 डिग्री, दिस वन इज 53 डिग्री, सपोज दैट एग्जांपल, तो ये कितना होगा 90 डिग्री राइट एंगल होगा, 53 प्लस 37 प्लस 90 कितना होगा 180 डिग्री, 37 डिग्री के सामने ये होता है 3, 53 डिग्री के सामने ये होता है 4 और 90 डिग्री के सामने ये होता है 5, ये आपका ट्रिपलेट है, ये आपका ट्राइंगल का ट्रिपलेट है, अरे छोटा एंगल तो सामने छोटा साइड, 37 तो सामने 3 है, 53 है तो 4 है और 90 के सामने कितना है 5, 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, ठीक है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 रूट 25 दैट इज 5, हाइपोटेनस आपका 5 होगा, तो यहां से आप लिख सकते हो साइन 37 डिग्री, इसको लिख लीजिए साइड में, मैं ट्रिग्नोमेट्री बस यही बताऊंगा और कुछ नहीं, साइन 37 पी बाई एच दैट इज 3/5, कॉस 37 दैट इज बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज 4/5, टैन 37 दैट इज पी बाई बी 3/4, ठीक है, साइन 53 डिग्री पी बाई एच 4/5, कॉस 53 डिग्री बी बाई एच बेस हाइपोटेनस 3/5 एंड टैन 53 डिग्री पी बाई बी इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर दैट इज 4/3, ठीक है, कुछ नहीं,
मैंने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का साइन 37 पी बाई एच होता है, तो 3 बाई 5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस 37 बी बाई एच होता है, बेस कौन है 4, 4 बाई 5 कॉस 37, टैन 37 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय 3 बाई पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या 3 बाई 4, 3 बाई 4, देन आफ्टर 53 के लिए साइन 53, साइन 53 पी बाई एच, पी कौन होगा 4, 4 बाई 5, कॉस 53 बी बाई एच, बेस कौन होगा 3, 3 बाई 5, टैन 53 पी बाई बी कितना होगा 4 बाई 4 बाई 3, तो ये याद रखिएगा ठीक है। और ये सबका होता है, आप 45 का भी बना सकते हो, आप 45 का भी बना सकते हो, 45 का भी ट्रिपलेट होता है, लेकिन 45 अगर आप बंद पढ़ते हैं साइन 45 कॉस 45 टैन 45 ठीक है, साइन 45 1 बाई रूट 2 यहां पे हम यूज होता है थोड़ा बहुत, इसलिए हम उस चीज को बता दिए ठीक है। और 53 37 बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, पूरी फिजिक्स में हर जगह फोर्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां भी यूज होगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नाम से क्लियर है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल का कुछ, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि दो वेक्टर को इस तरह से अरेंज करो, ध्यान देना थोड़ा सा, टू वेक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। मैं दो बार बोलती हूं, बार तीसरा फिर बोलूंगा सुनिएगा, टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कीजिए। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, उसके बाद क्या करो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कीजिए। देखिए ध्यान से, ये ऑर्डर चेंज हो गया, ये टेल हेड और यहां क्या हो गया हेड टेल, ध्यान देना टेल टू हेड, यहां से हेड टू, ऑर्डर चेंज हो गया। तो टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर आर के बराबर होगा, ये बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अभी इसकी इसका इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा वो हम अभी नहीं बताएंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वो रुक जाइए उसके बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझिए कि टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विच इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए पे भी डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, और उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका है, आप लास्ट वीडियो को जरूर देखिए, नहीं तो फिर यहां पे हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेस्ट अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को छोड़ के उस वीडियो में पहले शिफ्ट हो जाओ, जिसका आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा, आप चाहोगे कि हम डायरेक्ट एडिशन समझे तो नहीं समझ में आएगा, जब तक आप वो वाला क्लास नहीं देखोगे। तो बेस्ट ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिए पहले, तब आप यहां पे आइए। तो ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और ये क्या है उसका रिजल्टेंट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं यहां पे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बाद में बात करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे देखिए ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और ये आपका वेक्टर सी है। आपको बताना है कि कौन किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, कौन वाला वेक्टर दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, पहली चीज ठीक है, कौन वेक्टर दो वेक्टर का। तो कॉन्सेप्ट इसमें कौन फर्स्ट वेक्टर हम कुछ नहीं बता रहे, हाँ आपको बताया क्या होता है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वेक्टर,
ये हो जाएगा सेकंड वेक्टर, और ये जो है इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। ये वाला जो वेक्टर है वो इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। मतलब यहां पे वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी है। वेक्टर बी जो है यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी है। ध्यान दीजिए क्या होता है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि वेक्टर ए को ही फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए, वेक्टर बी ही सेकंड वेक्टर, वेक्टर सी फर्स्ट वेक्टर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पे आपको ऑर्डर समझना है कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिल रहा है, और ये जो वेक्टर है इसमें क्या है, पहला का टेल से दूसरे का हेड मिल रहा है। तो ये जो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। मतलब वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के होगा। यहां पे ये चीज है, ये नहीं कि आप हमेशा याद कर लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है, वैसे थोड़ी ना होगा। ए प्लस बी इक्वल टू सी ये चीज नहीं है, ए प्लस बी इक्वल टू सी नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन की तरह समझिएगा कि कौन किसका रिजल्टेंट है। तो यहां पे वेक्टर सी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्ट। आप नहीं बोल सकते कि सर वेक्टर बी इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बी, ए और वेक्टर सी, आपके कहने से कुछ होने वाला यहां पे नहीं है। और देखिए सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये चीज। अगर हम, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये आपका वेक्टर बी है और यहां दिखा देते हैं वेक्टर सी, ये आपका वेक्टर सी है। क्वेश्चन है कौन दो वेक्टर्स का, वो कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। तरीका, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। इसको फर्स्ट वेक्टर बोलिए, इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। एकदम लिख लो, यहां पे हम लिख देते हैं हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। कॉपी लिख लीजिए इसको, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विच इज रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, जो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये आप फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड ये दूसरा वेक्टर है, टेल के साथ मिल रहा है, मिल रहा है सर। उसके बाद मैंने क्या बताया, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो यहां पर वेक्टर सी जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर है। हाँ, बाद में हम ये बोलेंगे कि वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए या वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप यही जानिए, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो दिस वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यहां से आप एनालाइज कर पाओगे, इस लॉ से आप यहां से भी मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है, मैग्नीट्यूड हम यहां से भी आपको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी पैरेललोग्राम लॉ से हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ से हम किस तरह से निकालते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि रिजल्टेंट कौन किसका होगा, यहां से आप जरूर पता कर सकते हो। ट्रायंगल लॉ आपको ज्यादा बेस्ट है कि कौन वेक्टर किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। अगर तीन वेक्टर अरेंज है किसी तरह से, किसी आर्बिट्रेरी तरफ से, तो कौन वेक्टर किसका रिजल्टेंट है, कौन वेक्टर किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये आप ट्रायंगल लॉ से इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज। नोट्स आपके साथ बनते रहना चाहिए, ठीक है। अगर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स को बनाइए। सेल्फ नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बात करोगे नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नीट और जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो आपको आपका पर्सनल नोट होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, किसी दूसरे का, किसी फ्रेंड्स के, किसी सीनियर्स के, किसी टीचर्स का नेट आप नोट्स आप फोटोकॉपी करा के अपने पास नहीं रखो, उससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला, उससे उस स्टूडेंट्स का, उस सीनियर का फायदा होगा, आपका कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा जब तक कि आपका सेल्फ नोट नहीं हो। और स्पेशली अगर बात करें नीट के बारे में, तो जिस एग्जामिनेशन का कट ऑफ, सुन लेना, जिस एग्जामिनेशन का कट ऑफ 720 में से 600 के आसपास जाओ, सोच ले
वो एग्जामिनेशन आपका साथ साथ आपके नॉलेज के साथ आपका स्पीड का भी चेक कर रहा है, क्योंकि 600 किसी एग्जामिनेशन का कट ऑफ जा रहा है तो वो स्पीड है, ध्यान दीजिएगा। और इस बार अगर हम इस बार की बात करें तो जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे थे वो भी छोड़ के अब नीट और जेईई की तैयारी में बैठ गए, तो कंपटीशन इस बार और टफ होने वाला है। ठीक है, अभी जो अगस्त में एग्जाम होगा नीट का, इसलिए हम अभी से पहले बता दे रहे हैं, जो लोग बोर्ड की तैयारी करते थे छोड़ चुके थे वो भी अब आ गया, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया तो वो भी आ गया, तो कंपटीशन और क्या होगा, टफ होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। भीड़ तो बढ़ेगा ना, भले वो गधे हैं लेकिन भीड़ तो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, और स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपके माइंड का चेक नहीं हो रहा है, पहले बहुत स्पीड का वहां पे चेक हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड आप तभी बना पाओगे जब फिजिक्स को या कोई भी पेपर को क्लासिकल तरीका से नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा स्मार्ट तरीका से। आप लंबे लंबे थ्योरी, लंबे लंबे दो चार पेज का थ्योरी रटने से आपको कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दो चार थ्योरी रटने से। ठीक है, हम डेरिवेशन यहां पे करा रहे हैं क्योंकि हमारा चैनल बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए और जेईई तीनों के लिए, तो इसलिए हम पूरा थ्योरी कराते हैं। लेकिन आपको समझना है कि आपको क्या पढ़ना है, इसमें से पॉइंट आउट आपको करना है इस वीडियो में से, आपको पढ़ना क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने सुविधा के अनुसार यहां से कंटेंट को ले लीजिए मेरे वीडियो से। ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार आपको क्या पढ़ना है, आपको बोर्ड पढ़ना है तो पूरा डेरिवेशन देखो, आपको जेईई के लिए देखना है तो आप फॉर्मूला से भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। नाम से क्लियर है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए क्लियर, यहां से क्लियर हो रहा है कि ये क्या, एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करेगा, मतलब दो वेक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि वो क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम। टू वेक्टर्स पैरेललोग्राम बताएंगे भी कैसे बनेगा, मतलब लेकिन इसमें जो वेक्टर ए और वेक्टर बी लेते हैं वो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अब आपको मैंने पढ़ाया है किसी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, किसी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। किसी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए को हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए को हम पैरेलल शिफ्ट कर, देख उठा के मैंने पैरेलल उसको शिफ्ट कर, क्या चेंज होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने इसका एरो लंबा ज्यादा बना दिया है, ये आपका इतना बड़ा, इसको उठा के यहां पे वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी को उठा के यहां पे पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, यहां पे पैरेलल, दिस इज वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी है। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ध्यान देना आर इक्वल टू ए प्लस बी एंड वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों में फर्क है, एक ही मत समझना, आर इक्वल टू ए प्लस बी और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों में फर्क है। कुछ लोग कंफ्यूजन होता है ये और ये दोनों सेम समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये दोनों सेम है तो फिर पूरी वेक्टर में कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए है, दो साइड्स ऑफ, दो एडजेसेंट है, मतलब दो वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, मैंने वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट किया, वेक्टर बी को भी पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये जो डायगोनल है जो कि दोनों के टेल से पास हो रहा है, वो डायगोनल जो दोनों के टेल से पास हो रहा है, यही क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ये केस वन। यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का थीटा एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, और थीटा यहां पे क्या है, तो एक्यूट है, थीटा क्या है, एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री। स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन, स्टूडेंट्स का बहुत कंफ्यूजन है, डायरेक्ट बोल देता है वो कि सर जो मेजर डायगोनल होगा ना वही वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दोनों के बीच का एंगल बढ़ा दो, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर, वेक्टर ए वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर, चल वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, उठा के यहां रख दिए, यहां से उठा के यहां रख दिए, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिए, दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर बी,
अब बताइए यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना, ये थीटा, थीटा क्या है ग्रेटर देन कितना 90 डिग्री, क्या ऑब्ट्यूस है। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर जो दोनों के टेल से पास करेगा, दोनों के टेल से पास करेगा, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा दोनों के टेल से, ये दोनों के टेल से पास करेगा। क्या ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है, नहीं ये छोटा डायगोनल, और ये क्या है बड़ा डायगोनल। तो कभी नहीं दिमाग रखना कि सर बड़ा डायगोनल रिजल्टेंट होता है, बड़ा डायगोनल रिजल्टेंट तब होगा, मेजर डायगोनल रिजल्टेंट तब होगा जब थीटा एक्यूट होगा, और माइनर डायगोनल रिजल्टेंट तब होगा जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा। तो ये एक पॉइंट यहां पे समझ में आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। लेकिन 80% स्टूडेंट्स जो 11th में होंगे या जो 12th भी पास, जो ड्रॉपर होंगे, उनको सीधे कंफ्यूजन होगा, अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर आर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट है तो ए से ही बड़ा, ए और बी सबसे बड़ा होगा तो हमेशा मेजर बोलेगा, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट है वो। कॉन्सेप्ट देखिए तुरंत चेंज हो रहा है, अगर थीटा एक्यूट तो बड़ा मेजर डायगोनल, थीटा ऑब्ट्यूस तो माइनर डायगोनल, मेजर डायगोनल तो ये है, देख मेजर डायगोनल ये है, ये थोड़ी ना रिजल्ट, रिजल्टेंट ये है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग अब निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे होता है। यहां पे इस फिगर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसी फिगर में निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा यहां पे। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, समझना थोड़ा सा। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है बी है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम निकालने जा रहे हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है तो थीटा एंगल है। अब कैसे निकालेंगे, यहां से हम यहां पे लिख देते हैं वेक्टर बी, थोड़ा सा सुविधा होगा मेरे को। अब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा है, ये आपका ओ समझ लीजिए, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए, इसको सी समझ लीजिए, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, मैंने सी से एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, मैंने सी से एम, सी एम मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किसके ऊपर किया, ओ ए के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब आपका ये सी ओ एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उससे छोटा एक और ट्रायंगल है सी ए एम भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल सी ओ एम, इन ट्रायंगल सी ओ एम, सी ओ एम एक ट्रायंगल है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ओ एम स्क्वायर प्लस कितना बताइए एम सी स्क्वायर, ठीक है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एम, व्हाट इज ओ एम, ओ एम इज ओ ए प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर, ठीक, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ओ ए तो हमको पता है, ओ ए क्या है ए है, और ए एम क्या है ए एम निकाल लेते हैं, और यहां से एम सी या सी एम भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको वन कर लीजिए, पुट इट एज फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब देखो हम क्या करेंगे ना, यहां पे हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा इतना ही है, तो इसी जगह में हमको काम चलाना है, एडजस्ट करना सीखो, इंडियंस का काम ही है एडजस्टमेंट करना, तो एडजस्ट करना देखिए सीखते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, ए एम और सी एम के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख छोटा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, देखिएगा इन ट्रायंगल सी ए एम, इन ट्रायंगल सी ए एम, इन ट्रायंगल सी ए एम, सी ए एम ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना होगा एम सी, बाई हाइपोटेनियस कितना होगा ए सी, तो यहां से एम सी इक्वल टू क्या होगा ए सी साइन थीटा, व्हाट इज ए सी, ए सी कितना होगा बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। चलिए और उसी ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालेंगे,
cos theta बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है AM है और हाइपोटेनियस कितना है AC है, तो AM बराबर कितना होगा AC cos theta, तो AM बराबर कितना होगा AC cos theta, दैट इज क्या होगा B cos theta। अब करना कुछ नहीं है, इस AM के वैल्यू को उठा के यहां रख दो और इस CM के वैल्यू को उठा के यहां रख दो, पुट इन फर्स्ट कर दो, देयरफॉर फर्स्ट में पुट कर दो ये और वो वहां पे पुट कर दो, तो पुट करोगे तो OC, OC कितना है R है, तो R का स्क्वायर इक्वल टू OA कितना है तो A है, A प्लस AM कितना है B cos theta, B cos theta का क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस CM या MC कितना है बताइए B sin theta, B sin theta का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा A स्क्वायर प्लस कितना B स्क्वायर cos स्क्वायर theta प्लस क्या 2AB cos theta प्लस व्हाट B स्क्वायर sin स्क्वायर theta, तो यहां से R स्क्वायर बराबर क्या होगा देख A स्क्वायर यहां पे क्या है B स्क्वायर कॉमन है cos स्क्वायर theta प्लस कितना sin स्क्वायर theta B स्क्वायर cos स्क्वायर theta प्लस sin स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2AB cos theta, ये cos स्क्वायर theta sin स्क्वायर theta 1 होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, R स्क्वायर बराबर कितना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना 2AB cos theta, तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस व्हाट 2AB cos theta, ट्रायंगल लॉ से निकालो पैरेललोग्राम लॉ से निकालो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos theta, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos theta, a क्या है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b क्या है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, theta क्या है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी एडिशन, ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था एक फोर्स है 10 न्यूटन दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन उसका रिजल्टेंट 15 न्यूटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, देख क्योंकि वो सिर्फ ए और बी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है ए पे बी पे दोनों के बीच के एंगल पे, एंगल भी वहां पे मैटर करता है कि दोनों फोर्स कैसे लग रहा है दोनों के फोर्स के बीच का एंगल क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है कि दोनों एंटी पैरेलल है कि दोनों के बीच का 60 डिग्री है कि दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है कि दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, उस बात पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ ये नहीं कि F1 10 न्यूटन F2 5 न्यूटन को लिख दो F1 प्लस F2 15 न्यूटन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos, इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब इसका डायरेक्शन, तो इसको डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से, एंगल एंगल के फॉर्म में डायरेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, हम लोग वेक्टर हम लोग जो फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस करते हैं वो एंगल के फॉर्म में करते हैं कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मान लो कैसे देखिएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको समझने के लिए हम लोग मान लो लेट द रिजल्टेंट वेक्टर, लेट द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो कैसे निकालोगे, अब देखो इसको निकालने का तरीका है टैन अल्फा, tan alpha equal to क्या होता है tan theta equal to क्या होता है perpendicular by base, तो ये triangle है इसमें perpendicular कितना है cm और base कितना है om, cm by om, cm by om कितना है oa plus am, oa plus am, अभी देख cm पता है b sin theta, oa पता है आपका a है, am पता है b cos theta, तो यहां से क्या निकलेगा tan alpha equal to tan alpha equal to यहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो tan alpha equal to लिख लेंगे cm, cm को मैंने क्या लिखा b sin theta, oa oa क्या है आपका a है प्लस क्या होगा आपका b cos theta, तो tan alpha equal to b sin theta upon a plus b cos theta, so this is magnitude and this is direction, तो अभी तक आपने आप लोगों ने दो चीज देखा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन के लिए टैन अल्फा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta और टैन अल्फा इक्वल टू क्या होता है बी sin theta अपॉन ए प्लस बी cos theta, बी sin theta अपॉन ए प्लस बी cos theta, बी sin theta अपॉन ए प्लस बी cos theta, चलिए तो ये चीज आप पैरेललोग्राम लॉ से, आप सेम चीज ट्राइंगल लॉ से कर सकते हैं, ठीक है आप सेम चीज ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हैं,
पैरेललोग्राम लागो, गौर से देखा जाए तो ट्रायंगल ही है, कुछ अलग चीज तो है नहीं। देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम ला में क्या है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, वेक्टर बी को इधर पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर रहा है, वेक्टर बी को इधर पैरेलल शिफ्ट कर रहा है, और दोनों के बीच का जो ये जो है यही आपका रिजल्टेंट है, यही आपका क्या है, रिजल्टेंट है, यही आपका रिजल्टेंट है, वेक्टर आर है, जो कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। अब देखो ट्रायंगल ला, नीचे वाला भी ट्रायंगल ला को बता रहा है, फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। तो यहां से लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। ऊपर देखो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये क्या है, रिजल्टेंट है, ट्रायंगल ला। ऊपर लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर, यानी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, दिस इज नथिंग बट कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ये किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करें। तो मैंने आपको दो चीज बताया, एक चीज मैंने आपको बताया कि पहला चीज बताया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और दूसरा चीज मैंने बताया आपको टेन अल्फा, बताया टेन अल्फा इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो टर्म याद रखिएगा, दो फॉर्मूले याद रखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, b sin थीटा upon a plus b cos थीटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ा रहे हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं। पहला, when वेक्टर a parallel to वेक्टर b, मैंने पढ़ा था parallel वेक्टर का डेफिनेशन, वेक्टर a वेक्टर b के जब पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना होगा, जीरो डिग्री, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। तो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, क्या बोलता है, क्या होता है ट्रायंगल के लॉ के अनुसार, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, अगर इसको बोल दे फर्स्ट वेक्टर, इसको बोल दे सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincide with tail of second vector, head of first vector coincide with tail of second vector, head of first vector इसको मैं parallel shift कर रहा हूं, ये आपका vector A, vector B को parallel shift कर दिया, ये आपका vector B हो गया, head of first vector coincide with tail of second vector, पहले vector का head दूसरे vector के tail के साथ coincide कर रहा, now join टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, क्या ये जो वेक्टर होगा इसको मैं यहां दिखा देता हूं, नीचे दिखा रहा हूं, यही क्या वेक्टर आर होगा, दिस इज वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर यही होगा। तो व्हेन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना टू ए बी कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना होगा बी स्क्वायर प्लस क्या होगा टू ए बी, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो वन होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, दैट इज ए प्लस बी होगा, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए प्लस बी होगा, कब, जब दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री है,
मतलब F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट 15 न्यूटन कब होगा? जब दोनों फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है या दोनों फोर्स आपस में पैरेलल है। जब दो फोर्सेस, समझ में आया, मतलब 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट 15 न्यूटन कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो आप समझिएगा कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 10 और 5 का रिजल्ट 15 कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब वो एंगल अगर चेंज करोगे तो रिजल्टेंट 15 से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहला केस बताया था। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट वेक्टर, ये आपका, ये जो वेक्टर रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज ए प्लस बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, ए की लंबाई प्लस बी की लंबाई। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी। समझ में आया? ये पहला चीज। दूसरा चीज बताते हैं कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल होगा, इसको कॉपी कीजिए सारे लोग। अब देखिए सेकंड, व्हेन वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, मैंने एंटी पैरेलल का डेफिनेशन आपको पढ़ाया है। सेकंड, ये सब स्पेशल केस है, बिना इसके कुछ समझ में आता नहीं आता है। व्हेन वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, जब वेक्टर ए वेक्टर बी के एंटी पैरेलल है, व्हेन वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, एंटी पैरेलल मतलब ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और ये आपका सेकंड वेक्टर है। व्हेन वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, एंटी पैरेलल केस में थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होता है? हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्वाइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्वाइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्वाइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा, इसका हेड दूसरे के टेल के साथ। तो देखो, मैं पहला वेक्टर को ब्लैक से ही दिखाता हूं। ये आपका पहला वेक्टर है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्वाइंसाइड विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, और इसके साथ दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए। तो इसके साथ दूसरे वेक्टर का टेल यही तो होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो, मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वेक्टर ए को हम थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये आपका ब्लैक वाला वेक्टर ए है, रेड वाला वेक्टर बी, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। डायरेक्शन चेंज नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करोगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर, वेक्टर ए का डायरेक्शन ऐसा है, वेक्टर बी, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ, नाउ जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ये जो वेक्टर है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ए जो है फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये जो वेक्टर है क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या इसका लंबाई कितना होगा? बी माइनस ए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी माइनस ए। हमको पता है कि ये चीज तरीका बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला से प्यार है, वो प्यार फॉर्मूला से करता है, उसको लगता है कि फॉर्मूला ही सब कुछ है। जरा सोचो, अब फॉर्मूला से भी निकाल देते हैं। व्हेन ए इज एंटी पैरेलल टू बी, तो जो रिजल्टेंट थीटा बराबर 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस कितना डिग्री होगा बोलिए? 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना होगा? बी स्क्वायर। कॉस 180 कितना? -1। माइनस कितना होगा? 2ab। तो कितना होगा? अंडर रूट, बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है दोस्त। बहुत लोग लिख देते हो सिर्फ ए माइनस बी, या इसको लिखने का तरीका है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखो ए डिफरेंस बी, ए और बी के बीच का अंतर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू लिख सकते हैं हायर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, हायर मैग्नीट्यूड माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा माइनस, यहां पर देखिए बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है ए से, तो रिजल्ट क्या आया? बी माइनस ए। अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होता तो रिजल्ट आता ए माइनस बी। डायरेक्शन किधर होता? बड़ा की तरफ।
अरे बाबू इधर हमको घुसेगा तुम 500 न्यूटन से खींचोगे इधर और उधर खींचोगे 200 न्यूटन से, तो मेरा रिजल्टेंट किधर होगा 500 की तरफ, कितना होगा 300 होगा, 500 माइनस 200 रिजल्टेंट कितना 300, इधर कोई खींच रहा है 500 से, इधर कोई खींच रहा है 200 से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 300, किधर होगा बड़ा की तरफ, बड़े वाले की तरफ। यहां भी वही चीज है, बी और ए का रिजल्टेंट कितना होगा बी माइनस ए, किधर होगा बड़े की तरफ बी की तरफ, अगर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट कितना होगा ए माइनस बी, किधर होगा ए की तरफ। तो मैंने आपको दो चीज बताया कि जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, और दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी, और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो जीरो से लेके 180 तक ही हो सकता है, जीरो से लेके 180 तक हो सकता है। मतलब जब दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो डी तो रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ए प्लस बी मैक्सिमम होगा, और दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 100 से तो रिजल्टेंट होगा मिनिमम होगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा जब पैरेलल होगा, कितना होगा ए प्लस बी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कितना कब होगा जब एंटी पैरेलल होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कितना होगा तो ए माइनस बी, मतलब बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर। ये मैंने दो चीज पढ़ा अभी आपको कि पैरेलल के केस में क्या होगा और एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा। तीसरा चीज हम लोग आज पढ़ेंगे, अभी हम प्रॉब्लम इसके बाद कराएंगे आप लोगों को, कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर जिसको बोलते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू वेक्टर, थर्ड वन इज व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका क्या है वेक्टर बी है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना होगा बताइए cos 90, व्हाट इज cos 90, cos 90 इज जीरो, cos 90 इज जीरो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना होगा बी स्क्वायर, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 क्या होगा जीरो होगा, तो कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक होगा, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक होगा, ये जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये जो होगा ये मिनिमम वैल्यू होगा, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू a प्लस ए माइनस बी, ये कब होगा जब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, ये कब होगा जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री याद रहे, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अभी तक मैंने आपसे बात किया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। अगले क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब क्या होगा उसका आंसर, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक पे जरूर क्लिक करें, तब आपको पूरा का पूरा पीछे का वीडियो जो भी मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का मिलेगा, वेक्टर का भी आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको वहां से जरूर देखिए। ठीक है, फॉर थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर टुडेज सेशन। ओके।